गरमाता जा रहा खेसारी लाल पर हमले का मामला। खेसारी के बचाव में आई यादव सेना, यादव सेना के निशाने पर तेजस्वी, करणी सेना भी बीच में कूदी। बिहार के वैशाली में खेसारी लाल पर हुए हमले का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। यादव सेना नाम का एक संगठन ने खेसारी लाल यादव के बचाव में आ गया है। यही नहीं, यादव सेना ने तेजस्वी यादव को ही आंदोलन की चेतावनी दे दी है। यादव सेना का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल को प्रभुनाथ सिंह और उनके भतीजे सुधीर सिंह पर कोई ठोस फैसला लेना होगा। हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव यादव समाज से आते हैं और वैशाली में हुए हमले के बाद यादव समुदाय का उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। यादव समुदाय में खेसारी लाल की लोकप्रियता इस दौरान बढ़ी है। इस घटना के बाद से यादव सेना खुलकर खेसारी लाल यादव के समर्थन में आ गई है। सोशल मीडिया पर यादव सेना की ओर से भेजे जा रहे संदेश वायरल हो रहे हैं, जिसमें यादव सेना न केवल खेसारी लाल का बचाव कर रही है बल्कि तेजस्वी यादव पर दबाव भी बनाने की कोशिश हो रही है। वायरल हो रहे इन मैसेज में यादव सेना की ओर से कहा गया है कि प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह पर अगर आरजेडी ने कोई कड़ा स्टैंड नहीं लिया तो तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ आंदोलन होगा। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि अगर लालू परिवार खेसारी की सहायता नहीं करेगा तो यादव सेना राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन नहीं करेगी। खेसारी लाल यादव की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए यादव सेना ने कहा कि खेसारी लाल यादव को यादव होने के कारण प्रताड़ित किया गया है। ऐसे में अब आरजेडी को खेसारी लाल यादव के पक्ष में स्टैंड लेना होगा। वायरल हो रहे इन संदेशों की पुष्टि हम नहीं कर रहे। हालांकि आरजेडी के किसी नेता की ओर से ऐसी किसी चेतावनी को लेकर प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी तरफ इस मामले में करणी सेना ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। करणी सेना ने खेसारी लाल यादव पर झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया है। करणी सेना का कहना है कि लालू यादव के आतंक राज से जब इन लोगों ने लड़ाई लड़ ली तो खेसारी लाल यादव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। करणी सेना ने कहा कि पैसे लेकर नाचने गाने वाले लोग राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने लोकसभा चुनाव में महाराजगंज सीट से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर लोग चाहेंगे तो वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। खबर है कि इस मामले पर खेसारी लाल यादव ने लालू यादव से मुंबई में मुलाकात भी की थी। यही नहीं, खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल अगर टिकट नहीं देता है तो वे महाराजगंज से निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। अब जाहिर है कि खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेंगे तो यह सीधे तौर पर प्रभुनाथ सिंह को चुनौती देने वाली बात होगी। प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद रहे हैं और इलाके में उनकी छवि बाहुबली की रही है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में प्रभुनाथ सिंह को बीजेपी के जनार्दन सिंह ने हराया था। फिलहाल प्रभुनाथ सिंह एक विधायक की हत्या के मामले में हजारीबाग जेल में बंद हैं। उन्हें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रभुनाथ के जेल में बंद होने के कारण खेसारी लाल को आरजेडी का टिकट मिलने की बातें चल रही है। खेसारी लाल पर हुए हमले के बाद महाराजगंज लोकसभा सीट का
चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी इस सीट से उम्मीदवार तय करने में काफी मत्थापच्ची करनी पड़ सकती है। खबर है कि खेसारी लाल यादव पर हमला रणधीर सिंह ने करवाई थी, जिसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ा। अब तेजस्वी के लिए भी ये चुनौती भरी बात होगी। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में किसे उतारे, इसके लिए तेजस्वी को काफी माथा पच्ची करनी होगी। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।